दोस्तों, आखिर उल्लू कैसे बना माता लक्ष्मी की सवारी। एक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना होने पर सभी देवता पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने अपने लिए वाहन चुनने आरंभ कर दिया। तभी माता लक्ष्मी ने अपना वाहन चुनना चाहा। तभी सभी पशु पंछी उनके पास पहुँचे और उनको अपनी सवारी बनाने का आग्रह करने लगे। देवी लक्ष्मी का वाहन बनने के लिए सभी पशु पंछियों के बीच में लड़ाई हो गई। इस पर माता लक्ष्मी ने सभी को चुप कराया और समस्या का समाधान बताया। उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या पर मैं धरती पर आऊंगी और तभी अपना वाहन चुनूंगी। कार्तिक अमावस्या पर सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह देखने लगे। रात्रि के समय जैसे ही माता लक्ष्मी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजर से उन्हें देख लिया और तेज गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकार करें। लक्ष्मी जी ने देखा कि और कोई पशु पक्षी वहां पर नहीं पहुंचा था, तो लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उल्लू को अपना वाहन स्वीकार किया। देखते हैं कि आज कितने लोग कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं।